हेलो फ्रेंड्स, निटिंग क्रोशिए बाय संजू। आज मैं आपके लिए हेडबैंड बनाकर लाई हूं जो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हेडबैंड 1 से 2 इयर्स की बेबी के लिए बनाई हूं। देखिए इस तरह से ये साइज आएगी, इस तरह सर्कल के शेप में बनाई हूं। तो आप ये हेडबैंड जिसके लिए बनाती हैं तो सर की गोलाई के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है ये पूरी कम्प्लीट कर लेंगी। इसके बाद ये फ्लावर बनाकर मैं सुई से स्टिच की हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर हेडबैंड लग रही है। ये डिजाइन बहुत ही ईजी है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हेडबैंड की डिजाइन बहुत ही सुंदर है। और फ्रेंड्स, सेम कलर और सेम डिजाइन में मैं एक बोलेरो जैकेट में बनाई हूँ, उसकी वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, जाकर आप वीडियो देख सकती हैं। और फ्रेंड्स, ये हेडबैंड आप अगर लेना चाहती हैं तो मेरी फेसबुक पेज पर आप इसे ऑर्डर कर सकती हैं, हेडबैंड लेना चाहती हैं तो, या फिर इसकी वीडियो देखकर आप बना सकती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हेडबैंड की डिजाइन में बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप मेरे वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। इसके लिए मैं देखिए ये ऊन जो है थोड़ी पतली थी, इसलिए मैं इसे डबल करके बना रही हूँ। आप इसे 4 प्लाई की ऊन में आसानी से बना सकती हैं। और देखिए मैं 2 mm की मैं कुर्सियाँ यूज कर रही हूँ। आप भी ऊन के थिकनेस के अकॉर्डिंग आप कुर्सियाँ यूज करें। पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। इसके बाद मैं 12 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मैं 12 चैन बना ली हूँ। इसको मैं साइड कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में इस तरह से डबल क्रोशिए, थर्ड चैन में इस तरह से क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। सेम इसी जगह में दोबारा मैं क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में मैं क्रोशिए डालूँगी और 3 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। देखिए 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिए डालूँगी और इसी तरह से सेम 3 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1 2 3। इसके बाद में देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी लास्ट चैन में और 3 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इसे यहाँ से इस तरह से पलट लूँगी और यहाँ पे मैं 4 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4। और देखिए बीच में यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और 3 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पैटर्न के बीच में मैं क्रोशिए डालूँगी और 3 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1 2 3। इसके बाद देखिए 2 पैटर्न के बीच में क्रोशिए डालूँगी यहाँ पे और 3 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे 1 चैन बनाऊंगी और इस तरह से डबल क्रोशिए लास्ट में मैं यहाँ पर क्रोशिए डालूंगी लास्ट चैन में और इस तरह से डबल क्रोशिए बना लूँगी। इसके बाद देखिए इसे मैं इस तरह से पलट लूँगी और यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी। 1 2 3। और देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिए डालूँगी और 2 डबल क्रोशिए बनाऊँगी। 1 2। देखिए स्टार्टिंग ये चैन वाली थी और 2 डबल क्रोशिए 3 डबल क्रोशिए हो गई है।
इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी बीच में, टू पैटर्न के बीच में थ्री डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए आप जिसके लिए बनाती हैं उसके सर के गोलाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से मैं ज्वाइंट करूँगी, जैसे कि मैं देखिए मैं बनाई हूँ, जैसे कि ये लंबाई आप कंप्लीट कर लेंगे ज्वाइंट करने के बाद, ये गोल इस तरह से बन जाएगी। सेम इसी तरह से मैं कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं सर के गोलाई के अकॉर्डिंग में ये हेडबैंड पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से आइए। तो फ्रेंड्स ये हेडबैंड आप जिसके लिए बनाती हैं उसके सर के गोलाई के अकॉर्डिंग आप इसे कंप्लीट कर लेंगी। इसके बाद देखिए इसको मैं ज्वाइन करूँगी यहाँ पे, ये दोनों को एक साथ इस तरह से ज्वाइन करूँगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया दोनों में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से ज्वाइन करूँगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूँगी और इसमें मैं फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से मैं ज्वाइन कर ली। यहाँ पे मैं वन चैन बनाकर इस तरह से अरे ऊन को मैं कट कर लूँगी। और ये जो धागे दिख रही है इसको मैं अंदर कर लूँगी इस तरह से क्रोशिया के सहारे। इसके बाद देखिए इसे मैं फ्रंट साइड से प्लाट लूँगी। देखिए फ्रंट साइड है और ये बैक साइड थी, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से प्लट लूँगी। देखिए इस तरह से आएगी। इसके बाद मैं फ्लावर बनाऊँगी, मैं इसमें मैं फ्लावर बनाकर मैं स्टिच करूँगी। इसको मैं साइड करूँगी और देखिए फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से पहले सर्कल की तरह मैं शेप बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर टू चेन बनाऊँगी, वन टू। और देखिए क्रोशिया पर धागा लेते हुए एक सर्कल में इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। दोबारा मैं सेम उसी तरह से करूँगी, क्रोशिया पर धागा लेते हुए सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाऊँगी। क्रोशिया पर धागा लेते हुए सिंगल क्रोशिया देखिए इस तरह से बनाऊँगी। तो वन टू थ्री सिंगल क्रोशिया मैं बना ली हूँ। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं इसमें पूरी 12 सिंगल क्रोशिया सेम इसी तरह से बना लूँगी क्रोशिया पर धागा लेते हुए। देखिए फ्रेंड्स मैं 12 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो धागे दिख रही है इसको मैं इस तरह से खींच के टाइट कर लूँगी और यहाँ पे लास्ट में ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे टू चेन बनाऊँगी, वन टू। और देखिए क्रोशिया पर धागा लेते हुए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी सर्कल में, देखिए इस तरह से। और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। मैं क्रोशिया पर धागा लेते हुए देखिए बीच में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी, ये छोटी सी होल जो दिख रही है इसमें, और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद में देखिए क्रोशिया पर धागा लेते हुए सेम इस तरह से सर्कल में बस क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी 12 सिंगल क्रोशिया बना लूंगी क्रोशिया पर धागा लेते हुए। देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। सेम इसी तरह से मैं पूरी 12 सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें पूरी 12 सिंगल क्रोशिया में बना ली हूँ। इसके बाद मैं इस तरह से लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से सर्कल की तरह शेप बन गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे टू चेन बनाऊँगी, वन टू। और देखिए ये फर्स्ट चेन में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से
क्रोशिए पर वन फंदा इस तरह से उठा लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और क्रोशिए पर इस तरह से वन फंदा उठा लूँगी। इसके बाद देखिए इसे टू बार में इसे मैं बंद करूँगी। देखिए वन टू। फ्रेंड्स इसे आप ध्यान से देखिए, मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे वन चेन बनाऊँगी और देखिए ये जो धागे दिख रही है इसमें मैं क्रोशिए डालूँगी और वन फंदा इस तरह से उठाऊँगी। इसके बाद देखिए ये जो चेन दिख रही है इसमें क्रोशिए डालूँगी और वन फंदा इस तरह से उठाऊँगी। और इसके बाद सेम इसी जगह पर क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से उठा लूँगी। और मैं इसे मैं देखिए थ्री बार में इसे बंद करूँगी। देखिए वन टू थ्री। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए वन चेन बनाऊँगी और देखिए ये जो थ्री धागे दिख रही है थ्री धागे में मैं वन फंदा क्रोशिए पर इस तरह से उठा लूँगी। वन टू थ्री। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और इसे फोर बार में इसके बंद करूँगी। वन टू थ्री फोर। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं वन चेन बनाऊँगी और देखिए जो फोर धागे दिख रही है इसमें वन फंदा इस तरह से उठाऊँगी। वन टू थ्री फोर। और लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और वन फंदा इस तरह से उठाऊँगी। अब इसे मैं देखिए क्रोशिए पे जो धागे दिख रही है इसको मैं फाइव बार में इसे बंद करूँगी। देखिए वन टू 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 धागे मैं इस तरह से मैं क्रोशिए के ऊपर से मैं गिरा रही हूँ। टू थ्री फोर फाइव। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे वन चेन बनाऊँगी और ये जो धागे दिख रही है इसमें मैं इस तरह से क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से उठाऊँगी फंदे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव। और यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से उठा लूँगी और इसे मैं सिक्स बार में इसे बंद करूँगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद में यहाँ पे मैं टू चेन बनाऊँगी। वन टू। और देखिए इस तरह से मैं क्रोशिए डालूँगी यहाँ पे और स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी इसे। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से उठाऊँगी। वन टू थ्री फोर। देखिए फोर फंदे मैं उठा ली हूँ और इसके बाद यहाँ पे क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से उठा लूँगी वन फंदा। इस तरह से मैं इसे बंद करूँगी। वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव बार में इसे मैं बंद कर ली हूँ टू टू फंदे करके। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं चेन नहीं बनाऊँगी, जैसे कि एक साइड से मैं बढ़ाती गई थी दूसरी साइड से मैं घटाती आ रही हूँ। यहाँ पे मैं चेन नहीं बनाऊँगी और यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिए डालूँगी। देखिए वन टू थ्री। देखिए थ्री फंदे उठाई हूँ। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्रोशिए डालूँगी और इसे मैं इस तरह से बनाऊँगी। देखिए वन टू थ्री फोर। इसे मैं फोर बार में बंद करूँगी, जैसे कि मैं फाइव बार में बंद की थी इसे फोर बार में बंद की हूँ। इसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से उठाऊँगी। वन टू। इसके बाद यहाँ पे क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से देखिए इस तरह से बना लूँगी। वन टू थ्री। देखिए इसे मैं थ्री बार में बंद कर ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशिए डालूँगी। देखिए ये जो धागे दिख रही है ये लाइनें मैं हर रो में मैं घटाती जा रही हूँ, इसमें मैं फंदे नहीं उठा रही हूँ। इसके नीचे मैं यहाँ पे फंदे उठा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसे मैं टू बार में बंद करूँगी। वन टू।
देखिए इस तरह से बन गई है। इसे इसी तरह से मैं पूरी 5 पंखुड़ी बनाऊंगी। देखिए 1 पंखुड़ी में बना ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 1 चैन बनाऊंगी और इस तरह से ज्वाइंट करूंगी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से आएगी ये 1 पंखुड़ी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो सेम इसी तरह से मैं पूरी 5 पंखुड़ी इसमें बना लूँगी। इसके बाद देखिए इसके फर्स्ट चैन छोड़कर सेकंड चैन में मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं देखिए 1-2 चैन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए ये फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से निकालूंगी और यहाँ पे क्रोशिया डालकर इस तरह से निकाल लूँगी। इसे मैं 2 बार में इसे बंद करूँगी। देखिए इस तरह से जैसे कि मैं एक पंखुड़ी बनाई थी सेम उसी तरह से दूसरी पंखुड़ी भी मैं बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स सेम इसी तरह से मैं पूरी 5 पंखुड़ी इसमें बनाऊँगी। 5 पंखुड़ी इसमें बनाकर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के फ्लावर दिखने में लगेगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 5 पंखुड़ी में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी यहाँ पे और इस तरह से मैं स्लिप स्टिच करते हुए मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद में देखिए 1 चैन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूँगी। और देखिए बैक साइड से ये जो धागे थी स्टार्टिंग में बना रही थी इसमें मैं इस तरह से इसे गांठ लगा लूँगी अच्छे से ताकि ये गांठ खुलेगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये फ्लावर इस तरह से बन गई है। इसके बाद में देखिए येलो कलर का मैं ऊन लूँगी और 2 फिंगर में इस तरह से मैं लपेटूँगी 5 से 6 बार। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे मैं कट कर लूँगी। इसके बाद ये येलो कलर का ऊन है थोड़ी सी और मैं लंबी कट करूँगी जिससे कि मैं गांठ लगाऊँगी। देखिए इसमें इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मैं गांठ लगा लूँगी। इसके बाद देखिए ये जो है इसको बराबर करके मैं इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए कैंडल जलाकर मैं ये जो येलो कलर का ऊन है इसको हल्की हल्की मैं इस तरह से मैं जला लूँगी। देखिए इस तरह से हल्के हल्के इस तरह से मैं जला लूँगी ऊन को जिससे कि ये ब्लैक ब्लैक कलर डिज़ाइन जो है बहुत अच्छी दिखेगी फ्लावर में। आप चाहे तो मोती भी लगा सकती हैं इसमें पर मैं देखिए अलग तरीक़े से इसे मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं सारे उनको हल्के हल्के में जला ली हूँ। इसके बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी। तो इसमें देखिए बैक साइड से यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी और इसको मैं इस तरह से फंसा कर मैं बैक साइड से इस तरह से निकाल लूँगी मैं। देखिए इस तरह से आएगी इसे मैं देखिए बैक साइड से 4 देखिए 1-2 धागे में इस तरह से फंसा के मैं इसमें गांठ लगा लूँगी ताकि ये जो है निकलेगी नहीं। देखिए इस तरह से फ्लावर बन गई है। देखिए बहुत ही सुंदर ये फ्लावर लग रही है। आप चाहें तो यहाँ पे मोती भी लगा सकती हैं। मैं देखिए इस तरह से बनाई हूँ। इसके बाद ये फ्लावर को मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी जहाँ की ये ज्वाइंट है ज्वाइंट के पास मैं स्टिच करूँगी ताकि ये ज्वाइंट भी नहीं दिखेगी। और ये फ्लावर देखिए इस तरह से आएगी।
इसे मैं सुई से स्टिच करूँगी। इसे चारों तरफ से अच्छे से मैं स्टिच कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं स्टिच कर ली हूँ। बैक साइड से यहाँ पे मैं इस तरह से लाकर मैं अच्छे से मैं गांठ लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर मैं सुई से स्टिच कर ली हूँ। देखिए इस तरह से हेडबैंड ये पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है हेडबैंड। देखिए इस तरह से आएगी ये ऊन जो स्ट्रेचेबल होती है, देखिए इतनी इस तरह से बन रही है। आप किसी के लिए भी हेडबैंड बनाती हैं तो सर की गोलाई के अकॉर्डिंग आप इसको मेजरमेंट करके आप बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। फ्लावर लगने के बाद ये हेडबैंड बहुत ही अच्छी लगने लगी है। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाएं। और फ्रेंड्स, बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, मेरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।